Hey everyone, hope you have an amazing day. This is CSP and you are watching Weekend Zone. So guys, आज जो हमने है, हमारी जो फेजर है हमारे पास, उसके लिए हम लोग ने मंगाया हुआ है टॉप बॉक्स। तो वो जो टॉप बॉक्स है हमने रिसीव कर लिया है। हमने मंगाया था बैंडिडोस पिच स्टॉप से जेबी रेसिंग का टॉप बॉक्स। तो आइए अभी आपको दिखाता हूँ कौन सा टॉप बॉक्स है और कैसा है, और उसके साथ में ही आपको दिखाऊंगा कि टॉप बॉक्स के अंदर स्टोरेज कितनी है, क्योंकि मैंने बहुत से वीडियो देखे लेकिन अच्छे से किसी ने स्टोरेज के बारे में बताया नहीं है। तो 45 लीटर का ये जो टॉप बॉक्स है वो रहने वाला है। तो आइए आपके सामने ही अनबॉक्स करते हैं हम लोग, और आपको कितना इसके अंदर स्टोरेज है वो भी दिखाते हैं। तो ये रहा ये टॉप बॉक्स का जो बॉक्स है, वो हम लोग ने सिर्फ इसको ओपन करके देखा हुआ है, तो फिलहाल पूरा अभी तक निकाला नहीं है। तो अभी आपके सामने ही हम लोग इसको निकालेंगे। ये देखिए, पूरा ABS मटेरियल का रहने वाला है ये जो टॉप बॉक्स है वो। तो ये रहा टॉप बॉक्स। हेल्प कर भाई। क्या साहिबा जी, आप भी, तुम भी यार हेल्प नहीं कर रहे हो। ये प्लेट है इसकी, पेटी जिसके ऊपर माउंट होगा, और साथ में क्या क्या आता है इसके, तो दो चाबी मिल जाएगी आपको इसकी। ये रही दो चाबी, और साथ में इसको मैं ओपन कर रहा हूँ ऐसे, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, ये लॉक लिखा है और यहाँ पे ओपन। तो चाबी ऐसे घुमाएंगे तो वो ओपन हो जाएगा। इसके साथ में आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिल रहा है जेबी रेसिंग का, और फिटिंग माउंट्स है सब। अच्छा, तो ये रहे इसके फिटिंग माउंट्स, और ये उनके कुछ स्टिकर्स बैंडिडोस के। ओपन करिए, और फाइबर क्लॉथ भी आपको दिखाई देता हूँ कैसा है। और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का फाइबर क्लॉथ दिया हुआ है। तो आइए अभी आपको डायरेक्ट इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है, और उसके बाद में मैं आपको ये जो टॉप बॉक्स है उसको माउंट करके उसका जो स्टोरेज है उसके बारे में बताऊँगा आपको। और जहाँ पे हम लोग आए हैं, तो ये जीतू भाई है, इनके गैरेज पे हम लोग आए हुए हैं ये फिटिंग करने के लिए। यहाँ पे सारी बाइक्स के फुल सर्विस करते हैं वो, यूनिकॉर्न का भी जस्ट उन्होंने फुल सर्विस किया है, थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। चेन स्प्रॉकेट भी लाइक हूँ नौ जो देखा है अगर। तो इसको माउंट करना है अभी, ये खोलवा पड़ा है। तो ये देखिए, एक मिनट थोड़ा सा उठा लीजिए। ये जो दो लॉक है इसके ऊपर ये वाला जो है ये बैठेगा, और यहाँ पे ये लॉक बैठेगा। और जैसे वो बैठेगा ऊपर से उसको दबा देना है। ये देखिए लॉक का आवाज़ आया, बहुत ही अच्छी तरीके से और स्टडी तरीके से ये बैठ गया है। तो ये देखिए बॉक्स पूरा हिला रहा है लेकिन हिल नहीं रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये बैठ गया है। तो जैसे ही इसको बिठाना आसान है, उसी तरीके से इसको वापस से निकालना भी बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको ये जो चाबी है, ये यहाँ पे आपको लॉक दिख रहा है और यहाँ पे ओपन दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे घुमाऊँगा और ये ओपन हो गया यहाँ से।
फिर बस यहाँ पे नीचे के साइड पे आपको ये पुश लिखा हुआ है, तो वो बटन को पुश करना है। इसको जैसे ही आप पुश करोगे और पुश करके बॉक्स को उठा लेना है। ये देखिए, ये हो गया अनलोड। तो लोडिंग अनलोडिंग बहुत ही ईजी है बॉक्स को करना। तो टॉप बॉक्स की मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके का टॉप बॉक्स लगने वाला है, और यहाँ पे आपको बैक रेस्ट मिल जाएगा। ये देखिए, तो वैसे तो रबर नहीं है, ABS प्लास्टिक ही है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने मिल जाएगा बैक साइड पे, और यहाँ पे इसका जो ब्रांडिंग है वो आपको नज़र आएगा JB रेसिंग का। वैसे तो ओवरऑल इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है, और प्लास्टिक भी बहुत अच्छा है। लेकिन ओपन करते ही यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक जो थ्रेड है, ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन अच्छा है। अभी आपके स्टोरेज की बात करता हूँ तो 45 लीटर का इसके अंदर स्टोरेज दिया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे दो हेलमेट है, एक जो है वो एक्सोर का है और एक ये हमारा स्टड का थंडर है। तो दोनों जो है हम लोग रख के बताते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए आपके सामने है एक्सोर का एक हेलमेट और एक स्टड्स का। तो एकदम आसानी से बंद हो गया है, ये देखिए। दो हेलमेट आसानी से 45 लीटर के बूट स्पेस के अंदर आ जाएगा। तो अच्छा खासा जो लगेज है आप कैरी कर सकते हो। अभी तो वैसे तो बहुत ही स्टडी है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बाकी का जो रिव्यू है वो हम लोग अब कभी लॉन्ग राइड पे जाएंगे तब आपको बता सकते हैं कि किस तरीके का है इसका परफॉर्मेंस। तो बाकी ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है आप लोग एक बार देख के बताइए। कुछ इस तरीके की नज़र आ रही है, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोग का भी रिव्यू ज़रूरी है। आप लोग बताइए आपको कैसा लग रहा है। और आगे से अभी फ्रंट लुक दिखा देता हूँ, और एक बार पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ। तो पीछे से कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। रिफ्लेक्टर अच्छा लग रहा है, आसानी से दिख जाएगा आप लोग को। अभी और भी वीडियोस आने वाले हैं इसके अंदर। ये जो इसका हम बनाने वाले हैं क्रैश गार्ड, तो नेक्स्ट वीडियो आपको क्रैश गार्ड के लिए ही मिलेगा। तो फिर चलिए, अभी एंड करने का टाइम हो गया है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है टॉप बॉक्स के रिगार्डिंग, कितना इसका स्टोरेज स्पेस है और टॉप बॉक्स को इस तरीके से इंस्टॉल करना है, ये समझ में आया होगा। ये जो टॉप बॉक्स है इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको भी अगर परचेज करना है तो आप भी इजीली परचेज कर सकते हो। सो गाइज, अभी फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के अंदर। टिल देन, राइट सेफ, राइड हार्ड, वेयर प्रॉपर गियर्स, टेक केयर, बाय बाय।